हमारी बॉडी में जो हमारा हराम मगज़ है वो पूरा हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो होता है, और अल्लाह ताला ने रीढ़ की हड्डी को जो है वो मुख्तलिफ मोहरों में जो है वो तकसीम किया है। और नॉर्मल हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट नहीं होती बल्कि उसमें कर्व्स होते हैं। तो अगर आपके कर्व्स जो है वो रिड्यूस हो गए, आपके मसल स्पाज़म है, या आपकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से आपके डिस्क का कोई इशू है, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके डिस्क का इशू है तो उसके अंदर अगर आपके इस दोनों वर्टिब्रास के बीच में कोई डिस्क है और वह आपके स्पाइन कि जो है वो कॉर्ड को कंप्रेस कर सकती है, आपकी नर्व को कंप्रेस कर सकती है, और जब नर्व को कंप्रेस करेगी तो ये नर्व जो है वो जहाँ जहाँ आपकी टांग में जा रही है या आपके बाजू में आ रही है तो वहाँ आपको जो है वो एक रेडिएटिंग पेन होगा। इस डिस्क के लिए डॉक्टर जो है वो आपको सर्जरी का मशवरा देते हैं, या तो वो सर्जरी से इस डिस्क को निकाल देंगे या फिर आपकी स्पाइन की जो है लैमिनेक्टोमी कर देंगे।